नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23rd. इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/15 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1/6 देन पी बी इज इक्वल टू. देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी इट इज पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इज 2/15 ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1/6. इट कैन बी रिटन एज ए डैश इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. यू कैन मल्टीप्लाई द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज पी ए डैश इंटू पी बी दैट इज इक्वल टू वॉट इज पी ए डैश 1-PA इंटू पी बी. पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी डैश एंड पी बी डैश कैन बी रिटन एज 1-PB. दिस इज गिवन एज 2/15. 2/15 इज इक्वल टू पी बी माइनस इसका मल्टीप्लाई हो गया पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी और दिस इज गिवन एज 1/6 दैट इज इक्वल टू पी ए इंटू 1 इज पी ए माइनस पी ए इंटू पी बी. राइट टेम्पररली सॉल्व करने के लिए मैंने पी ए को एक्स मान लिया पी बी को वाई मान लिया थोड़ी देर के लिए तो इक्वेशन बनी 2/15 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई और 1/6 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई. आपको क्या निकालना है पी बी वाई वी हैव टू कैलकुलेट. तो इस इक्वेशन से मैंने x कॉमन लिया. व्हाट इज x कॉमन इट इज ये 1-y इज इक्वल टू 1/6. तो x की रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/6 1-y. इस वाले इक्वेशन में कर दीजिए 2/15 माइनस एक्स एक्स की जगह लिखा 1/6 1-y इंटू वाई और इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व किया. इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 30y² - 29y + 4 = 0. फैक्टराइजेशन 30y² - 29y को फैक्टराइज किया -24y - 5y राइट +4 = 0. इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हैं 6y इज टेकन आउट कॉमन 5y - 4. इसमें से आप -1 कॉमन ले लें इट इज 5y - 4 इज इक्वल टू 0. 5y - 4 इंटू 6y - 1 इक्वल टू 0. इफ 5y - 4 इज इक्वल टू 0 व्हाट इज y? y इज 4/5. इफ दिस इज 0 व्हाट इज y? y इज 1/6. बट हमको 1/6 इनकी a डैश b की प्रोबेबिलिटी दी हुई है. A इंटरसेक्शन बी डैश इज 1/6. सो पी बी का करेक्ट आंसर इज सी इट इज 4/5. नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 4. इट इज एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ A एंड B ऑकर इज 1/6 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम ऑकर इज 1/3. Then the probability of the two events are respectively. How to do this question? You have to check the options. आपको best method है option check करना चाहिए. A option अगर मैं check करूंगा probabilities are given as 1/2 and 1/3. अगर आपसे बोला जाता है A and B both occur तो ये भी होगा and ये भी होगा दोनों हो रहे क्या आएगी probability 1/6. Neither of them 1-1/2 1-1/3 ये कितना आएगा 1/2 एंड 3-1 इट इज 2/3 कितना आएगा 1/3. चेक करिए क्वेश्चन में यही दिया हुआ है करेक्ट आंसर इज ए. सेकेंड क्वेश्चन नंबर इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब. क्वीन ऑफ क्लब एक ही होती है 1/52 और देखिए और आ गया ना बीच में ये या किंग ऑफ हार्ट व्हाट इज इट ये भी एक अकेला होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2/52 व्हाट इज 2/52 1/26 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन नंबर अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज Neither a heart nor a king. So आप क्या करिए इफ इट इज हार्ट कितने कितने
13 कार्ड्स आपके फेवरेबल हुए है ना, और निकालिए और अ किंग, तो चार किंग में से एक तो इस हार्ट में चला गया, तीन किंग और बच गए, दिस ये टोटल आपका आया, इसको वन में से माइनस कर दीजिए, तो व्हाट इज इट, वन माइनस 16/52, व्हाट इज द आंसर, 52 माइनस 16 कितना आएगा, 52 माइनस 16 इट इज 36/52, सिंप्लीफिकेशन इट इज 9/13, यस करेक्ट आंसर इज 9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, अ बैग कंटेन्स 6 रेड 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज रेड, नन ऑफ देम इज रेड मतलब 5 व्हाइट और 4 ब्लैक में से आप निकालें, 9 में से कोई भी 2 बॉल चूज कर लें और टोटल कितनी बॉल्स हैं, 15 में से 2 बॉल चूज कर लें, तो ये आंसर जो आएगा That is none of them is red, मतलब दूसरे कलर की बॉल निकली है, सिंप्लीफाई करिए, कमिंग एज 12/35। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, अ ड्रॉअर कंटेन्स 5 ब्राउन शॉक्स एंड 4 ब्लू शॉक्स, अगर इसमें से दे आर वेल मिक्सड, अ मैन रीचेज the drawer and pulls out 2 socks at random, what is the probability that they match, kya probability hai ki wo match karenge, hai na, ya to dono brown nikle to kya hogi condition, 5c2 divided by total 5+4 9c2, ya plus dono hi blue nikle 4c2 divided by 9c2, isko total kariye, coming as 4/9, this is the answer. Question number 17, if two events A and B are such that PA plus B is 5/6, PAB is 1/3, PA bar is 1/2, that means PA is 1 minus 1/2, it is 1/2, then events A and B is, what to do, iske liye aapko PB nikalna padega, what is PA plus B, it is 5/6 is equal to PA plus PB minus PAB, that is 1/3, calculate PB from here, okay, PB solve kariye kitna aega, it is equal to 5/6 plus 1/3 minus 1/2, simplification karne ke baad ye kitna aya, 2/3, अब आप इसकी कंपैरिजन करिए पीए के साथ, व्हाट इज पीए गिवन एज, पीए गिवन एज 1/2, ओके, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो एक का होना दूसरे को रोकता है, दूसरे का होना पहले को रोकता है, लेकिन एक ना एक तो होता है, पीए प्लस पीबी अगर 1 आ जाएगा दैट मींस द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट, क्या सम करने पर 1 आ रहा है क्या, No, not. So they are not mutually exclusive. Mutually exclusive and independent. आप अगर दोनों को sum करते हैं और इनकी probability ये what is 2/3 plus 1/2 add करिए कितना आएगा, 3 2s are 6, 4 plus 3 कितना, and it is greater than 1. मतलब इन दोनों का आपस में जो relation है वो आपस में कोई relation नहीं है कि एक साथ होंगे या एक साथ नहीं होंगे, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, इट इज ए इंडिपेंडेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, इफ ई एंड एफ आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ई एंड एफ हैपेंस इज 1/12, सो व्हाट इज इट, पीई इंटू पी एफ, ये कितना आना चाहिए, 1/12, and the probability that neither E nor F, E na ho and saath mein F bhi na ho, this should be coming as 1/2, then options are given, so best method hai, aap ek ek option ko check karo
किसमें मल्टीप्लिकेशन इज कमिंग एज 1 बाय 12 एंड 1 माइनस पी, जैसे ए ऑप्शन चेक करेंगे 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 4 इट इज कमिंग एज 1 अपॉन 12. अब आप बी ऑप्शन चेक करिए 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4 इट इज 2 बाय 3 इंटू 3 बाय 4 कैंसिल आउट, यस 1 बाय 2 इज कमिंग, ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल सक्सीड इन आईआईटी एंट्रेंस टेस्ट इज 0.2 एंड दैट ही विल सक्सीड इन एआई ट्रिपल ई इज 0.5. कैसा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट है कि गधा है, क्या है, बीच का है, सो इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सक्सेसफुल इन बोथ द एग्जामिनेशन इज 0.3 देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही डज नॉट सक्सीड इन बोथ द एग्जामिनेशन विल बी, दोनों में सक्सेस ना हो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसके स्कोर से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, अगर आप वैसे मैथ्स वाइज देखेंगे तो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट. सो ही डज नॉट सक्सीड इन बोथ द एग्जामिनेशन, क्या करना पड़ेगा, यस व्हाट टू डू, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये आपको निकालना है, ना तो वो ए में सक्सेस हो ना वो बी में हो, ना वो आईआईटी में सक्सेसफुल हो ना वो एआई ट्रिपल ई में सक्सेसफुल हो. सो व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू, इसको निकालने से अच्छा है मैं क्या करूंगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, इट कैन बी रिटन एज पी ए यूनियन बी बार एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 1 माइनस पी ए यूनियन बी, फॉर्मूले में डालिए 1 माइनस व्हाट इज पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज पी ए गिवन एज 0.2, पी बी गिवन एज 0.5 एंड बोथ द एग्जामिनेशन में व्हाट इज इट गिवन एज 0.3, व्हाट इज द आंसर, 1 माइनस 0.2 प्लस 0.7 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 व्हाट इज द आंसर, 0.6 इज द आंसर. Now, any doubt till now? अभी तक के questions में कोई doubt आपको? Type 3 question number 14. Yes, question देखिए. The probability of happening an event A is 0.5. एक event A के होने की probability है 0.5 and that of B, PB is 0.3. If A and B are mutually exclusive events, then the probability of happening of neither A nor B, मतलब आपको चाहिए ना तो A हो and ना ही B हो. What is the formula? Formula is P A bar plus P B bar minus P A bar union B bar. Is it okay? Individual probability. Happening is 0.5, तो 1 में से minus करिए, it is 0.5. P B bar 1 में से minus करिए, it is 0.7. Now what it is not given, पर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं. Union मतलब या तो A ना हो या फिर B ना हो, because they are mutually exclusive event, कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा और दूसरा कोई ना कोई एक तो नहीं होगा. तो what is this probability? This probability is 1. Simplify करिए, it is 1.2 minus 1. Your answer will be 0.2. Sugam is okay. Now questions of type 5. Dekhiye, first question number, two cards are drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that one of them is a queen? Kitne queen hai? 4. 4 mein se ek choose kariye. And other is an ace. Divided by total 52 mein se kitne choose kiya aapne? 52 C2, simplify करिए, correct answer is 4/663. Next question, third question number, two cards are drawn successively with replacement from a pack of 52 cards. The probability of drawing two aces, पहली बार ace आए, क्या probability है? 4/52, इसको replace कर दिया, फिर से नया set बन गया, फिर 4 aces हो गए, फिर कितने chances हैं? 4/52. Your correct answer is 1/13 into 1/13. Answer is 1/169. A is correct answer. Fourth question number pe mark kariye, important.
there are two children in a family, the probability that both of them are boys. या तो जो child है वो boy हो सकता है या girl हो सकती है. Boy होने के क्या chances हैं? 1/2, है ना. दूसरी भी boy हो, दूसरा child भी boy हो, कितना? 1/2. What is the correct answer? Correct answer is 1/4. अगर आपसे पूछते दोनों child girl हो, क्या आंसर आता? यही आता, 1/4. और अगर आपसे पूछते कि एक बॉय हो एक गर्ल हो तो क्या होता? ये बॉय हो 1/2, ये गर्ल हो 1/2, इट इज 1/4. हां, अगर ऐसा बोलते फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल तो फिर आपको, फिर भी आपको, क्योंकि हाफ है ना प्रोबेबिलिटी, तो भी आपको फिर यही मेथड यूज करनी पड़ती, ऐसे ही आंसर आता फिर. Fifth question number, the dice, if a dice is thrown twice, then the probability of getting one in the first throw only. पहली बार one आए, क्या chances हैं? 1/6. And अब दूसरी बार one ना आए, 1-1/6. Your answer will be 1/6 × 5/6, 5/36 will be the answer. C is correct answer. Seventh question number, a coin is tossed and a dice is rolled. Do independent events hai ye. The probability that the coin shows the head, kya chances hai? Half. And the dice shows 6, kya chances hai? 1/6. Correct answer is 1/12. Next question, question number 12, what is the probability of getting 9 cards of the same suit in one hand in a game of bridge? देखिए, 9 cards same suit के होने चाहिए, मतलब क्या, एक suit में कितने cards हैं? 13. So in 13 में से आपके पास में 9 choose करना है आपको, क्या chances हैं? 13 C 9. 52 में से 13 को minus करिए, कितने बच गए? 39. अब इन 39 में से 9 में से 13 में से 9 को माइनस करें, कितने? 4. तो जो 4 कार्ड बच गए वो बाकी बचे 39 में से आप चूज कर सकते हैं. डिवाइडेड बाय टोटल 52 में से कितने चूज करने हैं? 13. ये एक सूट के लिए हो गया, है ना, 13. दूसरे सूट के लिए फिर से यही, उस सूट में से 9 चूज करने चाहिए और बाकी बचे 39 में से 4 चूज करने चाहिए. डिवाइडेड बाय 52 C 13. थर्ड के लिए भी ये और फोर्थ सूट के, मतलब से फॉर हार्ट, दिस इज फॉर डायमंड, दिस इज फॉर क्लब, दिस इज फॉर स्पेड. तो टोटल रिजल्टेंट इज व्हाट? 4 × 13 C 9 × 39 C 4 डिवाइडेड बाय 52 C 13. योर करेक्ट आंसर डायरेक्टली गिवन एज C इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टाइप 5, 14th. A bag contains 5 white, 7 red and 8 black balls. If 4 balls are drawn 1/1 without replacement, what is the probability that they are white? So, first time white nikle, 5 white ball hai, divided by total kitne balls hai? 8 plus 7, 15 plus 5, 20, right? पहली बार व्हाइट निकल गई, मान लिया कि पहली बार व्हाइट निकल गई. अब व्हाइट कितनी बची? 4. और टोटल कितनी बॉल बची? 19. दूसरी बार व्हाइट निकले, व्हाट इज द चांस? 4/19. मान लो इस बार भी व्हाइट निकल गई, व्हाइट कितनी बची? 3. टोटल कितनी बॉल्स है? 18. एंड लास्ट में इट इज 2/17. 1, 2, 3, 4. चारों बार बॉल्स कितनी निकली है? व्हाइट निकली है और विदाउट रिप्लेसमेंट निकली है. क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व कर लीजिए. दैट इज इक्वल टू 5 × 4 = 20, कैंसिल आउट. 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18. मल्टीप्लीकेशन करिए, आंसर इज कमिंग एज 1/969. करेक्ट आंसर इज ए. इन द सेम क्वेश्चन अगर बॉल को रिप्लेस करके निकालते तो फिर आंसर क्या आता? 5/20. दूसरी बार भी व्हाइट निकले, 5/20. थर्ड टाइम ऑल्सो व्हाइट, 5/20. फोर्थ टाइम ऑल्सो व्हाइट, 5/20 विथ रिप्लेसमेंट, अगर आप बॉल को निकालते तो. राइट,
Next is question number 15. 20 tickets are marked the numbers 1, 2, 3, 4 up to 20. 1, 2, 3, 4 up to 20. If 3 tickets be drawn at random, then what is the probability that those marked 7 and 11 are among them? दो कंपल्सरीली आपको निकालना है. कितने टिकट पे 7 का मार्क है? 1. तो ये आपको चूज करना ही करना है. फिर कितने टिकट पे 11 मार्क है? 1 टिकट पे 11 मार्क है, तो उसको ही चूज करना है. दो टिकट आप चूज कर चुके हैं. जब मल्टीप्लाई होता है तो ये देख लिया करिए, इन दोनों का सम इज द टोटल ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स. 1 प्लस 1, 2 ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन. कितने और बच गए? कितने निकालने थे? 3. दो निकल गए, अब बचे 18 में से एक और निकालना है. डिवाइडेड बाय टोटल 20 में से 3 चूज करना है. इसको सिंप्लीफाई करिए, इट इज कमिंग एज 1C1 इज 1, 1C1 इज 1, 18C1 इज 18, डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 3 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. इट इज 18 इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल. ये कैंसिल, 18 एंड 18 डायरेक्टली कैंसिल. नाउ 2 से कैंसिल आउट 10 टाइम्स, इट इज 3 अपॉन 190. ओके, सो 18 अपॉन 3 अपॉन नीचे का टोटल, दिस इज कमिंग एज, सो हियर इट इज 18 ऑलरेडी इंक्लूडेड, सो आंसर इज 3 अपॉन 190. ए इज करेक्ट आंसर. 16th क्वेश्चन नंबर. अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट, 5 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स. 3 बॉल्स आर पिक्ड अप रैंडमली. The probability that a white, a red and a green ball is drawn. So simple. एक 4 में से चूज करिए, एक रेड में से चूज करिए, एक 6 में से चूज करिए. Divided by total 6 plus 15 में से 3 बॉल चूज करिए. इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 4 into 5 into 6 divided by 15 factorial upon 15 minus 3, 12 factorial, 3 factorial. Simplify करिए, आंसर इज कमिंग एज 24 अपॉन 91. डेल्टा इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19th. 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1? एक में 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल मींस 2, 4, 6. दूसरे में एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर. मल्टीपल ऑफ 3 मींस 3 एंड 6. सो इसमें देखिए कितने केस हो गए, 3 इसके 2 इसके, 3 टू जा 6 केसेस पॉसिबल हो गए, राइट? लेकिन एक ऐसा भी तो केस हो सकता है कि इस पे 3 का मल्टीपल आ रहा हो 3 एंड 6, और इस पे 2 का मल्टीपल आ रहा हो 2, 4, 6. इसके कितने केसेस हो गए, 2, 3 जा 6. लेकिन एक केस ऐसा है 6 एंड 6, 6 एंड 6 ये रिपीट हो गया दो बार, एक बार हटा दीजिए. 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 1 11 केसेस आर टोटल देयर, और टोटल दोनों के कितने, 6 6 36. सो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 11 केसेस टोटल डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि 6 6 दो बार रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6, राइट? तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो मैनुअली सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को. करेक्ट आंसर इज बीटा. 22nd क्वेश्चन नंबर. A bag contains 6 red, 5 white and 4 black balls. 2 balls are drawn at random. Then the probability that both are not white. White नहीं होनी चाहिए. तो आप क्या करते, red हो सकती थी दोनों, black हो सकती थी दोनों. या आप reverse approach कर लो कि दोनों white हो, इसके क्या chances हैं? 5 में से आपने 2 balls choose करनी है, है ना? और टोटल 15 में से 2 बॉल चूज करनी है. इज इट क्लियर और नॉट? अगर दोनों वाइट हो तो आपके ये चांसेस हो जाते थे. अब इसको 1 में से आप माइनस कर दोगे, दिस इज योर आंसर, बोथ बॉल्स आर नॉट वाइट.
answer coming as 19 upon 21. Next question is question number 23. A bag contains 19 tickets numbered 1 to 19. A ticket is drawn and then another ticket is drawn without replacement. The probability that both the tickets will show even numbers. 1 to 19 में कौन कौन से कितने even numbers आएंगे बताएंगे? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 9 even numbers हैं. So इन 9 में से आपको एक number choose करना है और total 19 में से एक number choose करना है. Without replacement है तो अब even एक चला गया, एक even चला गया तो अब 8 बचे. 8 में से 1 चूज करना है और 18 में से 1 चूज करना है. सिंपलीफाई कर लीजिए, दिस इज योर 9 बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 18. 2 जा 4 बा 4 बाय 19 शुड बी द करेक्ट आंसर. यस, डेल्टा इज करेक्ट आंसर. नाउ द क्वेश्चंस ऑफ टाइप 6, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल दोनों का यूज होगा. दीज आर वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. दीज आर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ पर्स कंटेन्स 4 कॉपर कॉइन्स. एक पर्स में 4 कॉपर के कॉइन्स हैं एंड 3 सिल्वर कॉइन्स हैं. ओके, केमिस्ट्री वाइज इट इज Ag. द सेकेंड पर्स कंटेन्स 6 कॉपर कॉइन्स, दिस इज, एंड 2 सिल्वर कॉइन्स. ओके, इफ अ कॉइन इज ड्रॉन आउट ऑफ एनी पर्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कॉपर क्वाइन. कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कॉपर क्वाइन निकले, क्या चांसेस हैं? बैग ए बैग बी. देखना, इसमें दो केसेस हो सकते हैं, समझते चलिए ध्यान से. फर्स्ट केस, ये बैग चूज किया गया हो. इस बैग को चूज करने के क्या चांसेस हैं? 1/2. भाई दोनों में से ये बैग चूज करो, 1/2. अब इस बैग में से कॉपर क्वाइन निकले, क्या चांसेस हैं? 4/4 + 3 = 7. सेकेंड केस पॉसिबल हो सकता है कि सेकेंड बैग वॉज चूजन, इसको चूज किया गया हो. क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड बैग चूज किया गया हो? 1/2. इसमें से कॉपर का कॉइन निकले 6/6 + 2 = 8. ठीक. अब या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा. आप दोनों को ऐड करेंगे और लग गया बीच में 2/7 + 3/8. सिंप्लीफाई करिए, दिस इज योर आंसर. राइट, करेक्ट आंसर इज कमिंग एज 37/56. इसको सिंप्लीफाई करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th, टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 4th. इफ 4 persons आर chosen एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men, 2 women एंड 4 children. 3 men, 2 women and 4 children, then the probability that exactly 2 of them are children. 2 children ho usme 4 mein se total. So kya ho sakta hai? In 4 mein se aapko 2 choose karne hai into 3 men or 1 woman. 2 isme se ek man ko agar aap choose kare aur ek woman ko choose kare, total 3 + 2, 5 + 4, टोटल 9 में से कितने चूज किया आपने? 4. ठीक. सेकेंड केस, 2 चिल्ड्रन आपने चूज कर लिए इनटू इन 3 में से बाकी जो बचे मैन थे 2, वो आपने मैन चूज कर लिए. ये भी एक केस हो सकता है. या फिर 4 में से 2 चिल्ड्रन चूज किए और जो बच गए 2, वो वुमेन चूज कर लिए. दैट इज 2c 2 / 9c 4. कॉन्सेप्ट इज क्लियर. So, इसका टोटल करिए, करेक्ट आंसर इज 10/21. ए इज द आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट. द चांस ऑफ इंडिया विनिंग टॉस इज 3/4. इफ इट विन्स द टॉस देन इट्स चांस ऑफ विक्ट्री इज 4/5, अदरवाइज इट इज ओनली 1/2. देन द चांस ऑफ इंडियाज विक्ट्री इज. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इंडिया विन द टॉस एंड द चांस ऑफ इट्स विक्ट्री इज 4/5. या तो एक केस ये हो सकता है या और
प्लस का साइन, इंडिया लूजेस द टॉस मींस वन माइनस 3/4. अब इंडिया के जीतने के क्या चांसेस हैं? 1/2. क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिए. योर आंसर इज 29/40. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. वन बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स. Another bag contains 7 white and 9 black balls. A ball is transferred from the first bag to the second and then a ball is drawn from the second. The probability that the drawn ball is white. एक ball यहां से यहां transfer हुई है और फिर यहां से एक ball निकाली है. क्या chance है कि ये जो निकली वाली ball है वो white हो? यहां से ट्रांसफर होने में व्हाइट भी ट्रांसफर हो सकती है और ब्लैक भी ट्रांसफर हो सकती है. तो दो केस बन जाएंगे. फर्स्ट केस क्या है? इफ व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड, है ना, व्हाइट बॉल का ट्रांसफर होने के क्या प्रोबेबिलिटी है? कितनी व्हाइट बॉल है? 5c1 डिवाइडेड बाय 5+4 9c1. ये क्या है? व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड हेयर. इसमें एक व्हाइट बॉल और एड हो गई. अब इसमें से व्हाइट निकालो. 7+1 8c1 डिवाइडेड बाय 9+8 कितना? 17c1. ये फर्स्ट केस हुआ. सेकंड केस क्या पॉसिबल है? कि ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर. यहां से ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो और यहां से व्हाइट निकले. ठीक, चलिए देखें. यहां से ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो, क्या चांसेस हैं? 4c1 डिवाइडेड बाय 9c1 एंड यहां से व्हाइट निकले. व्हाइट अब 7 ही है, डिवाइडेड बाय 17c1. अब ये केस होगा या ये केस होगा, दोनों को क्या करें आप? ऐड कर दें. दिस टोटल कितना आएगा? 5/9 × 8/17 + 4/9 × 7/17. टोटल करिए. दिस इज योर आंसर एंड योर आंसर इज कमिंग एज 4/9. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th. अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट 5 ब्लैक एंड 9 रेड बॉल्स. इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज ईदर व्हाइट और रेड. व्हाइट और रेड मिलाकर के टोटल कितनी बॉल है? 6+4 = 10 और टोटल कितनी है? 15. 5 2s are 10, 5 3s are 15. Correct answer is 2/3. Next question is 13th. A bag contains 4 white, 5 red and 6 black balls. If 2 balls are drawn at random, then the probability that one of them is white. इन दोनों को एक ग्रुप बना लें आप. इनसे इसमें अलग अलग करने का कोई मतलब ही नहीं है. What is total? 11 other balls are there. तो 4, एक white चाहिए और दूसरी ball आपकी जो है वो इन 11 में से कोई भी हो जाए, no problem. Total balls are 15. C2 simplify करिए. यही आपका answer है. 4 × 11 / 15 × 14/2. Direct किया मैंने, समझ में आया? इसको simplify कर लीजिए. That is equal to 4 से cancel out 7 times. 44/105. Correct answer is A. 14th question number. If out of 20 consecutive whole numbers, 2 are chosen at random, then the probability that their sum is odd. Sum is odd. 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 20 is taken. सम ऑड होने का मतलब क्या है? कब होता है सम ऑड? जब आप एक इवन नंबर लेते हैं और एक ऑड नंबर लेते हैं. से फॉर एग्जांपल, इवन नंबर चूजन इज 4, ऑड नंबर चूजन इज 3. 4+3 इज व्हाट? 7. 7 इज ऑड. ठीक है. इफ यू चूज बोथ इवन नंबर्स तो इट इज इवन. फॉर एग्जांपल 6+8 व्हाट इज इट? 14. इट इज इवन, है ना. अगर आप ऑड में ऑड ऐड करते हैं तो क्या आता है? फॉर एग्जांपल 7+7 ऐड करना तो कितने आते हैं? ये क्या आता है? इवन. तो ऑड के लिए एक इवन चाहिए और एक ऑड चाहिए. आउट ऑफ 20 होल नंबर्स
दिस, कितने इवन है कितने ऑड है? 10 इवन है 10 ऑड है, तो एक 10 में से इवन नंबर चूज करिए और एक 10 में से ऑड नंबर चूज करिए, डिवाइडेड बाय टोटल 20 में से C2 20 C2, सिंप्लीफाई करिए, योर आंसर विल बी 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20 अपॉन 20 माइनस 2 18 फैक्टोरियल, तो 20 इंटू 19 अपॉन 2, सिंप्लीफाई करिए, दिस कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, योर आंसर विल बी 10 बाय 19, यस करेक्ट आंसर इज बीटा. इन द सेम क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछता इफ द सम इज इवन, तो इवन सम आने के लिए दो केसेस हो सकते थे, या तो दोनों नंबर इवन चूज करते आप या दोनों ऑड चूज करते, तो एक केस होता दोनों इवन चूज करते 10C2 अपॉन 20C2, या दोनों ऑड चूज करते तो ऑड भी 10 है 10C2 अपॉन 20C2, इट इज 2 टाइम्स 10C2 अपॉन 20C2, सिंप्लीफाई करिए, इट इज कमिंग एज 9 बाय 19, इसमें बी पार्ट करके आप ऐड कर लें चाहे तो, इफ सम इज इवन आंसर इज 9 बाय 19. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% केसेस एंड बी इन 80% केसेस, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट. ए जो है वो 75% केसेस में सही बोलता है या सही गैस कर लेता है, इसको ऐसे समझिए. बी जो है वो 80% केसेस में सही बोलता है या सही गैस कर लेता है, कितने केसेस में दे आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट, वो आपस में विरोध करेंगे एक दूसरे का अगर एक ही चीज को बता रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, शाम का टाइम था, 7:30 का टाइम था, दोनों ए और बी रोड पे चले जा रहे थे, अचानक किसी ने रास्ता काट गया, ए बोला वो कुत्ता था, बी बोलता है वो कुत्ता था, तो दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, नो कंट्राडिक्शन इज देयर. ए बोलता है इट इज अ डॉग, बी बोलता नहीं इट इज अ कैट, तो दे आर कंट्राडिक्टिंग ईच अदर, और ए बोलता है इट इज अ कैट, बी भी बोलता है इट इज अ कैट, दे आर ऑल्सो दे आर अगेन सपोर्टिंग इच अदर, भले वो कुत्ता हो लेकिन अगर दोनों ने उसको बिल्ली मान लिया, कैट कैट, तो भी वो एक दूसरे का सपोर्ट ही कर रहे हैं ना. सो आपको बताना है कि कितने केसेस में वो एक दूसरे का कंट्राडिक्ट करेंगे. तो क्या केस हो सकता है, ए सही बोले 75/100 परसेंटेज को चेंज कर लो, ए ने सही बोला और बी ने सही नहीं बोला, एक तो ये केस हो सकता है, क्लियर और नॉट, या ए ने सही नहीं बोला 1 माइनस 75/100 और बी ने सही गैस किया या सही बोला. समझ में आया आपको, ये आप सॉल्व कर ले, निकाल ले आंसर, यही आंसर है 75/100 × 25/100 + 25/100 × 80/100. सिंप्लीफाई करिए इसको, दिस इज योर आंसर. 100 × 100, 100 square is taken common. 75 × 20, 150 + 25 × 80, 200. इट इज 350/100 square, तो एक कैंसिल कर दीजिए 100 को, सो इट इज कमिंग एज 35/100. दैट मींस 35% इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. A man and his wife appear for an interview for 2 posts. The probability of husband selection is 1/7 and that of the wife's selection is 1/5. What is the probability that only one of them will be selected? जैसे अभी आपने किया, अगर husband select होगा 1/7 और wife select ना हो 1 minus 1/5, या हस्बैंड सिलेक्ट ना हो एंड वाइफ विल गेट सिलेक्टेड, व्हाट इज इट? 1/7 × 5 − 1 = 4/5 + 6/7 × 1/5. टोटल करिए इसको, 35 इज द एलसीएम,
4 plus 6, 10 by 35. 2 by 7 is the answer. Yes, beta is the correct answer. Concept is very clear. एक ही का सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो घर का काम कौन करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th. सेम कॉन्सेप्ट है. देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल डाई विद इन अ ईयर आर पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी अलाइव एट द एंड ऑफ द ईयर. सेम कॉन्सेप्ट है, P into 1 minus Q plus Q into 1 minus P. A जिंदा रहे तो B ना रहे, B रहे तो A ना रहे. It is so simple, right? तो इसको आप simplify कर सकते हैं. A will alive, B not. B alive, A not. Simplify करिए. It is P minus PQ plus Q minus PQ. What is it? P plus Q minus 2PQ is the answer.